क्या निर्दोष है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कांड में फंसा रंकज वर्मा? वीडियो वायरल होने के बाद रंकज खुद थाने क्यों पहुंचा था? वीडियो बनाने वाली छात्रा का आर्मी जवान मोहित से क्या रिश्ता है? पहेली बना वीडियो कांड, पुलिस को कौन से चार सवालों के जवाब की है तलाश? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो कांड को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वीडियो कांड की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पंजाब पुलिस की SIT आरोपी आर्मी जवान मोहित का मोबाइल फोन कब्जे में लेने वाली है। मोबाइल फोन को डिलीट डाटा रिकवर करने के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, ताकि पता लग सके कि उसके पास कौन कौन से वीडियो पहुंचे थे जिसे बवाल के बाद डिलीट किया गया था। चैट हिस्ट्री को भी रिकवर किया जाएगा, ताकि आरोपी मोहित की भूमिका साफ हो सके। आर्मी जवान मोहित पंजाब के होशियारपुर जिले के शहर का रहने वाला है और इन दिनों जम्मू में तैनात है। वीडियो कांड में उसकी भूमिका ने नए सवाल पैदा किए हैं। आरोपी छात्रा के पकड़े जाने के वक्त उसके मोबाइल पर जिस नंबर से सबसे ज्यादा फोन आए थे, वो आर्मी के जवान मोहित का ही है। इसी नंबर से लड़की को वीडियो डिलीट करने के मैसेज आए थे। 6 दिन बाद भी SIT किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। SIT कौन से चार सवालों का जवाब तलाश रही है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रंकज वर्मा की कहानी सुनिए। वीडियो बनाने वाली लड़की के बॉयफ्रेंड सन्नी मेहता के साथ रंकज वर्मा को भी पुलिस ने डिटेन किया है, लेकिन अब उसके परिवार ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया है। दरअसल रंकज वर्मा शिमला की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। मूल रूप से ठियोग में संधू एरिया के रहने वाले रंकज ने 10वीं तक की पढ़ाई कथोग स्कूल से की। उसने +2 और ग्रेजुएशन शिमला से किया। रंकज के पिता गाँव में ही खेती बाड़ी का काम करते हैं। रंकज पर आरोप है कि उसने सनी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी की लड़कियों के वीडियो वायरल किए। जब रंकज का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग सजा की मांग करने लगे, तो रंकज खुद शिमला के ढली पुलिस थाने पहुंच गया था और एक शिकायत लिखाई थी और कहा था यूनिवर्सिटी वीडियो लीक मामले में सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसका नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन इसके बाद पंजाब पुलिस ने रंकज को भी उठा लिया, क्योंकि पुलिस को रंकज के खिलाफ सबूत मिले थे। के बाद रंकज के भाई ने मीडिया के सामने आकर बड़े खुलासे किए। उन्होंने अपने भाई को बेकसूर बताया और साथ ही रंकज के भाई ने सन्नी से जान पहचान से भी इनकार किया है। रंकज के भाई पंकज वर्मा ने कहा कि वो बेकसूर है और वो 18 सितंबर से मोहाली में है। उसका भाई और उनका परिवार सन्नी नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। उसके भाई की DP लगाकर कोई छात्रा से चैट कर रहा था। रंकज के भाई ने कई सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ मेरे भाई की फोटो वायरल होने की वजह से उसके भाई और परिवार की बदनामी हुई है। रंकज के भाई ने दावा किया कि उसका भाई छात्रा को जानता तक नहीं है। पंजाब पुलिस के पास अगर वो नंबर है जिस पर उसके भाई की DP लगी है, तो वो उस नंबर की जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। सोशल मीडिया पर रंकज के सपोर्ट में #टैग चलाए जा रहे हैं और रंकज के इंसाफ के लिए कैंपेन चलाया गया है। फिलहाल रंकज को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और पुलिस उसके साथ सन्नी और लड़की से सवाल कर रही है। SIT इस वक्त 4 सवालों के जवाब की तलाश में है। आरोपी छात्रा का आर्मी जवान मोहित से क्या रिश्ता है? रंकज को इस बीच में किन कारणों से लाया गया? क्या उसकी भी मिली भगत है? आरोपी आर्मी जवान मोहित छात्रा को इतने समय से कॉल क्यों कर रहा था? ब्लैकमेल होने के कारण आरोपी लड़की वीडियो बना रही थी या कारण कुछ और है? पुलिस को आरोपी छात्रा के मोबाइल से अभी तक 23 वीडियो मिले हैं जो उसकी अपनी है। हालांकि वार्डन के सामने लड़की ने कबूल किया था कि उसने दूसरी लड़कियों के भी वीडियो बनाए हैं। पुलिस अब इन चारों सवालों के साथ पूरी कहानी से जल्दी ही पर्दा हटाने का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी और जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।